न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होता है जितने प्रोटॉन्स होंगे यदि आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया आप इफेक्टिव मतलब एक एटम के अंदर प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या इक्वल होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज जीरो के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभी अनायंस या कटायंस बनते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या कभी ज़्यादा हो सकती है, प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है। प्रोटॉन की संख्या को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज वेरी डिफरेंट प्रोसेस। उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसकी वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वेरी करता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक और टर्म समझना होगा, उसको बोलते हैं स्पिनिंग इफेक्ट। स्पिनिंग इफेक्ट क्या है और शेल्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। इफेक्ट कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा स्क्रीनिंग और शेल्डिंग। शेल्डिंग मतलब प्रोटेक्ट कर बचाना किसको? न्यूक्लियस को, किससे? इलेक्ट्रॉन से। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली है क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ये एटम ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एज्यूम वन इलेक्ट्रॉन है एंड दिस शेल इज कॉल्ड बैलेंस शेल। बैलेंस शेल की कही जाती है और ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए अगर एक ही है तो। ठीक है, जैसे कि आपका कौन से एटम है जिसका हाइड्रोजन है, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इसका और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका साइज सिकुड़ के छोटा हो जाता है। अब एज्यूम कीजिए ये हालात ऐसे नहीं है, ये आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे भी एक शेल है, तो बाहर एक आपका इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल में आपका ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके एट इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे आपके एट इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर। अब जहाँ जो अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में होगा वो इसकी तुलना में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा, बट जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे? दोनों आपके सेम चार्ज बन जाएंगे और सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसी पर डिपेंड करता है, कितना ये आपके बैलेंस शेल के अंदर शेल जो होता है उसको कन्यूनिटी वेट सेल कहा जाता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा और किस तरीके से ये इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेंगे इससे बैलेंस से इलेक्ट्रॉन से, इसी को स्क्रीनिंग या शेल्डिंग इफेक्ट है। ये आपका इसी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके डिटरमाइंड होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ये आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया माइनस शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है कम हो जाएगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। या ऐसे भी मानिए जितने नंबर आप सेल पढ़ाते जाओगे, मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जितने नंबर आप सेल पढ़ाते जाओगे साइज उतना बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल साइज घटेगा। अच्छा, जैसे चार्ज क्या पढ़ाते जाओगे, चार्ज में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जितना पढ़ाते जाओगे साइज क्या होता है छोटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूँ कि ए है
एक नेगेटिव चार्ज, अगर एक बी है इसमें दो नेगेटिव चार्ज, सी है इसमें तीन नेगेटिव चार्ज, और इसी तरीके से एक्स जिसके वन पॉजिटिव चार्ज है, वाई जिसके टू पॉजिटिव चार्ज है, और जेड जिसके थ्री पॉजिटिव चार्ज है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ए पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उसको उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अनायन का साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा। कटायन के केस में जितना ज़्यादा कटायन का चार्ज होगा उतना छोटा उसका साइज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? रीजन बिहाइंड एटम देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो सेल उसकी घटती जाएगी, सेल की संख्या उसकी क्या होती है, घटती जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन लेना है अनायन बन जाएगा तो एडिशनल सेल उसमें ऐड हो जाती है, इससे उसका साइज छोटा उसका बड़ा बड़ा हो जाता है। ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी एक आपका है साइज हमने डिस्प्ले लेंथ की इलेक्ट्रो लेंथ की और इसी तरीके से लाइट से इस
पे दो चार्ज होते हैं।